हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियों से संबंधित वीडियो नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस वीडियो सीरीज़ में हम 4 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये चारों वीडियो में मिलाकर आपके लिए 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यू MCQ क्वेश्चन बेस्ड ऑन CG जनरल नॉलेज, ठीक है, वो अपलोड किया जा चुका है। इस सीरीज़ के अंदर हम 500 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, साथ साथ आपका रिवीजन भी कराने वाले हैं। और ये ऐसे प्रश्न होगा जो सभी प्रतियोगी को आना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CGPSC की तैयारी कर रहे हो, CG व्यापम के अंतर्गत किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने पहले के चारों वीडियोज़ नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चारों वीडियोज़ को आप जाके जरूर देखें। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं रिवीजन कराया हूँ ऑन बेसिस ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे आपका रिवीजन कराया हूँ। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम वीडियो का PDF, ठीक है, और वीडियो का नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जितने भी तरह के डाउट्स होते हैं हम वहाँ पे क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ का 5वें वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं। तो 75 प्रश्न तो हो गए हमारे, ये 76वां नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य, सत्य कथन की पहचान करना। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये न्यू डाटा के ऊपर बेसिस है, ठीक है। ये जो डाटा है कब का है, 12/9/2023 का है, मतलब सबसे लेटेस्ट जो अपडेटेड ये डाटा है कि छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं, कितने अनुविभाग हैं या फिर कितने तहसीलें हैं। आपको इसमें से पकड़ना है कि क्या सही आंसर है। वीडियो को पॉज करें और आंसर इसका लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो डाटा इस दिन जारी किया गया था 12/9/2023 को, इसके अकॉर्डिंग CG गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया था, इसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में 5 संभाग हैं, ठीक है। कितने हैं? 5 संभाग हैं, अर्थात 5 डिवीज़न हैं और 33 जिले हैं, ठीक है। ये दोनों तो आप सभी को पता होगा, और 117 अनुविभाग हैं, ठीक है। 117 अनुविभाग है। अभी अनुविभाग कोई उपखंड भी कई बार से कहा जाता है, तो उपखंड भी अगर पूछेगा तो 117 ही है। और 251 तहसीलें हो गई हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे शायद ऑप्शन गलत दिखा गया, ये ए है, ये बी होगा, ये वाला सी होगा और ये डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 संभाग, 33 जिले, 117 अनुविभाग और 251 तहसील हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में है, ठीक है। चलिए आगे 77 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के निम्न जिले में से जिसमें तहसीलों की संख्या अन्य सभी से अधिक है, मतलब यहाँ पे 4 जिलों में बताना है कि कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक तहसील है, ठीक है। बताइए कि ये चारों में से किस जिले के अंदर तहसीलों की संख्या अधिक है, बलरामपुर, सूरजपुर, कांकेर या फिर नारायणपुर, ठीक है। देखिए, बलरामपुर के अंदर आपको 12 तहसील देखने को मिलेगा, सूरजपुर के अंदर 9 तहसील हैं, कांकेर के अंदर 11 तहसील है, नारायणपुर के अंदर 4 तहसील है, ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज और याद रखेंगे, बिलासपुर के अंदर भी देखेंगे ना तब भी 12 तहसील ही हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बिलासपुर के अंदर भी 12 तहसील हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद नारायणपुर के अंदर भी 4 है, जो हमारा खैरागढ़, छुई खदान और जो गंडई है वहाँ भी, उस जिले के अंदर भी 4 तहसील है, और जो हमारा कोरिया जिला है, इस कोरिया जिला के अंदर भी 4 ही तहसील है, ठीक है। और देखेंगे तो ये इसमें आप देखेंगे पहचानना है कि कौन सा सबसे अधिक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बलरामपुर जो होगा वही सबसे अधिक तहसीलों वाला जिला होगा इन चारों ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 78 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान प्रश्न भी है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जलप्रपात है, वाटरफॉल है, जिसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है, ठीक है। गावरघाट जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात, चित्रकोट जलप्रपात या फिर कोठली जलप्रपात, किसको कहा जाता है? देखिए, भारत का नियाग्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो चौड़ाई है बहुत अधिक है, भारत में सबसे चौड़ा भी अगर जलप्रपात बोलेगा तो ये हमारा, ये भारत का नियाग्रा ही कहते हैं जो छत्तीसगढ़ के अंदर है।
इसकी जो लंबाई है वो लगभग 300 फीट है, ठीक है। तो जो है वो चित्रकूट जलप्रपात है। ये चित्रकूट जलप्रपात को ही भारत का नियाग्रा कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, अभी मैंने बताया कि 300 फीट इसकी, सॉरी लंबाई नहीं चौड़ाई, 300 फीट इसकी जो है चौड़ाई है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जो कि इंद्रावती नदी के ऊपर है, ठीक है। इंद्रावती नदी के ऊपर आपको देखने को ये मिलेगा। अब आता था कि गावरघाट जलप्रपात कहाँ, तो कम से कम जिले का नाम याद रखिएगा। ये गावरघाट जलप्रपात जो है ये आपको हसदेव नदी के ऊपर मिलेगा, ठीक है, और ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में देखने को मिलेगा। अमृतधारा जलप्रपात भी हसदेव नदी के ऊपर ही है और ये भी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अंदर देखने को मिलेगा। कोठली जलप्रपात जो है ये कन्हार नदी के ऊपर स्थित है, ठीक है, और ये कन्हार नदी जो है बलरामपुर जिले में देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 79th प्रश्न है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है कौन सी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर अभी तक आपने मिट्टी वाला हमारा जो चैनल जो वीडियो है नहीं देखा तो आप जाके जरूर देखिएगा। हमारा जो ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट है, उस ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो है अवेलेबल है। भौतिक जो विभाजन है, प्राकृतिक विभाजन, उसके ऊपर है, ठीक है, जो साथ ही साथ मिट्टी के ऊपर है, ऊपर आधारित भी है, जलवायु के ऊपर आधारित भी वीडियोस अवेलेबल है, तो आप उसको भी जाके जरूर देखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में कि छत्तीसगढ़ का सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है। लाल दोमट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, डोरसा मिट्टी या फिर कन्हार मिट्टी, कौन सा इसका सही आंसर है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। कन्हार मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इस कन्हार मिट्टी को, किसी को काली मिट्टी को ही कन्हार मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिए। काली मिट्टी को, काली मिट्टी को फिर रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कभी कभी इसको भर्री मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। जो ऊंचाइयों पर स्थित जो काली मिट्टियाँ होती हैं उसी को भर्री कहा जाता है, ठीक है। इसका काला रंग जो है फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका रंग जो है काला होता है और सबसे अधिक जल धारण क्षमता भी इस कन्हार या फिर काली मिट्टी का ही होता है, ठीक है। ये जो लेटेराइट मिट्टी है इसी को मुरूमी मिट्टी भी कई बार कहा जाता है या फिर भाठा मिट्टी भी कहा जाता है या कई बार से बंजर मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उपजाऊपन बहुत कम पाई जाती है, इसमें मोटे अनाज होते हैं और उपजाऊ होता ही नहीं है। सबसे कम उपजाऊ जो है लेटेराइट मिट्टी होती है। इसका यूज़ जनरली जो भवन वगैरह बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो डोरसा मिट्टी है ये कन्हार और मट्टासी मिट्टी, इन दोनों मिट्टियों का मिश्रण पाया जाता है, ठीक है। कन्हार और मट्टासी इन दोनों मिट्टियों का जो मिश्रण है वही डोरसा मिट्टी कहलाता है। मट्टासी मिट्टी किसको कहते हैं, कोई कमेंट करके बताइए कि कौन से मिट्टी को मट्टासी मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न 80 नंबर पे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। क्या है कि पलमा चोटी राज्य के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है। पेंड्रा लोरमी के पठार का, छूरी उदयपुर की पहाड़ी का, मैकल श्रेणी का या फिर हसदेव रामपुर बेसिन का, कौन से ये भौतिक विभाग में ये पलमा चोटी आप सभी को देखने को मिलेगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पेंड्रा लोरमी के पठार का हिस्सा है पलमा चोटी। ये पलमा चोटी जो है ये आपको, इसकी जो ऊंचाई है 1080 मीटर है, कितना 1080 मीटर है, और ये गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये एक्चुअली में पेंड्रा लोरमी का जो पठार है ना, ये जो है एक्चुअली में जो मैकल श्रेणी है उसी का विच्छेदित भाग है, ठीक है। इस यही भाग जो है आगे कहीं पे जाके गौरेला पेंड्रा मरवाही में पेंड्रा लोरमी का पठार, लेकिन इसमें अगर ऑप्शन में पूछेगा, अगर ये नहीं होता तो आप मैकल श्रेणी मार सकते थे क्योंकि इसी के भाग में स्थित है, लेकिन ऑप्शन में अगर पेंड्रा लोरमी का पठार है तो बेझिझक आप इसी को ऑप्शन में मारेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसी पेंड्रा लोरमी के पठार में पलमा चोटी है 1080 मीटर ऊंचा, और लाफागढ़ भी आपको इसी में देखने को मिलेगा, ठीक है, लाफागढ़, जिसकी ऊंचाई कितना है 1048 मीटर, ये आपको कोरबा में देखने को मिलेगा। एक और अगर इसी में देखना है तो एक और याद रखिएगा, चंदेली पहाड़ी, ठीक है, चंदेली पहाड़, इसकी ऊंचाई जो है 821 मीटर है और ये आपको लोरमी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे 81 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम हिस्ट्री में आ गए हैं, ज्योग्राफी के कुछ प्रश्नों को हमने देखा, अब हम हिस्ट्री में आ गए कि छत्तीसगढ़ का कौन सा ऐसा जंगल सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था।
नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह या फिर बदरा टोली जंगल सत्याग्रह, कौन सा? ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये जो नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह है ये असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। ठीक है, ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था हमारे भारत में उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के अंदर भी देखने को मिलता है। ये असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। उसी समय ये नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह भी हुआ था। इसका नेतृत्व तो करने वाले थे श्याम लाल सोम। मैं एक नाम लिख रहा हूँ, बाकी आप सुन लीजिएगा, और ठीक है इसके बाद बाकी को आप सुन के नोट डाउन कर सकते हैं। इसका जो मेन नेतृत्व करता थे श्याम लाल सोम, और इनके अन्य सहयोगी जो थे पंचम सिंह, विशंबर पटेल, शोभा राम साहू, बाली ठाकुर, ये सब उनके साथ ही थे। इसका कारण ये था नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह का कि जो आदिवासी थे उस क्षेत्र के, ठीक है, उनको वन में प्रवेश करने से वर्जित किया गया था, साथ ही साथ वनों का ये उपयोग नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उस नगरी सिहावा धमतरी वाले क्षेत्र में क्या किया गया, इस नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह को चलाया गया। ठीक है, अब देखिए बाद में क्या किया जाता है, ये जो जिसका भी मैंने नाम बताया जिन्होंने नेतृत्व किया उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इसी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आ जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा आ जाते हैं, इसके बाद उनके सहयोगी के रूप में नारायण राव मेधा वाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जो है उनके साथ आ जाते हैं इन नेतृत्व। ठीक है, तो सुंदरलाल शर्मा भी इस नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। बाद में ये जो नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह था इसका दमन कर दिया जाता है। अगर आपसे दमनकर्ता का नाम पूछ ले तो याद रखिएगा एक है IAS बेरी। ठीक है, इन्होंने किसके साथ मिलके, तो एक नाम याद रखिएगा जनार्दन प्रसाद। ठीक है, IAS बेरी, जनार्दन प्रसाद और एक जो सब इंस्पेक्टर थे राम दुलारे, इन तीनों ने मिलके इस नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह को दमन किया था। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। और बाकी यहाँ पे बी और सी ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो आपको जंगल सत्याग्रह देखने को मिल रहा है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 के आसपास ये दोनों जंगल सत्याग्रह हुआ था। और ये बदरा टोली और एक है छुई खदान जंगल सत्याग्रह, ये दोनों जो है ये आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय मिलेगा। ये दोनों व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय ये दोनों हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था आप सभी को पता है, 1940-42 के आसपास। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सभी डाटा आपको याद रखना है। चलिए 82 प्रश्न देखते हैं। 82 नंबर का प्रश्न है, ये विद्रोह जनजाति विद्रोह पर आधारित है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित विकल्प है। देखिए एक वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है जिसके अंदर मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ कराया है ऑन द बेसिस ऑफ जनजातीय विद्रोह। छत्तीसगढ़ के अंदर जितना भी जनजातीय विद्रोह हुआ है उनसे संबंधित मैंने एक वीडियो तैयार किया था, आप उसको जाके जरूर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। टॉपिक वाइज छत्तीसगढ़ का इतिहास करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसको आप जाके जरूर देखिएगा, बहुत आपका मदद होगा वहाँ से। ठीक है, उसी में जनजाति विद्रोह वाला टॉपिक का MCQ सेट मिल जाएगा। ठीक है, अब बताना है कि इसमें कौन सा जो है असुमेलित विकल्प है। हलवा विद्रोह, अजमेर सिंह, इधर जो है ये विद्रोह का नाम दिया है और इस तरह क्या उस समय शासक कौन थे उसका यहाँ पे दिया हुआ है। तो हलवा विद्रोह के समय अजमेर सिंह थे क्या, परलकोट विद्रोह के समय महिपाल देव थे क्या, मेरिया विद्रोह के समय भैरम देव, और भूमकाल विद्रोह के समय रुद्र प्रताप देव। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये मेरिया विद्रोह भैरम देव के समय नहीं हुआ था, ये मेरिया विद्रोह जो हुआ था भूपाल देव के समय हुआ था। ठीक है, भूपाल देव के समय ये मेरिया विद्रोह हुआ था, भूपाल देव उस समय शासक थे और ये मेरिया विद्रोह जो है 1842 में हुआ था। ठीक है, ये भूपाल देव के समय ही 1842 में एक और विद्रोह हुआ था, तारापुर विद्रोह, जिसका नेतृत्व किसने किया था, दल गंजन सिंह के द्वारा किया गया था। ये मेरिया विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिडमा मांझी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, हिडमा मांझी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हलवा विद्रोह जो है अजमेर सिंह उस समय शासक थे और इन्हीं के नेतृत्व में हलवा विद्रोह जो है चलाया गया था। ठीक है, ये जो है 1774 में यह जो विद्रोह देखने को मिलता है। परलकोट विद्रोह जो है 1824-25 में देखने को मिलता है, 1824-25 में, और ये महिपाल देव के समय ही देखने को मिलता है। और परलकोट विद्रोह जो हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था, तो गेंद सिंह ने किया था। ठीक है, किसने किया था, गेंद सिंह के द्वारा किया गया था। और ये लास्ट में है भूमकाल विद्रोह, जो कि सबसे अंतिम में जनजाति विद्रोह था, जो कि 1910 में हुआ था।
ठीक है। और रुद्र प्रताप देव के समय ही ये भूमकाल विद्रोह हुआ था। और ये भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था इसका आपको उनसर शायद पता ही होगा, कुंडाधूर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा 82 नंबर का प्रश्न। चलिए आगे 83 प्रश्न। 83 प्रश्न आप सभी के लिए कि बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये हमारा मराठा साम्राज्य से एक प्रश्न आ गया। क्या है कि बिंबाजी भोसले के प्रमुख पदाधिकारियों में राज्य का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी व्यवस्थापक या फिर दीवान कौन था। देखिए, बिंबाजी जो थे छत्तीसगढ़ के अंदर प्रथम मराठा शासक थे। इन्होंने ही आके सबसे पहले मराठाओं को यहाँ पे विकसित किया, मतलब अपना साम्राज्य जो है प्रत्यक्ष रूप से चलाना शुरू किया। तो ये प्रथम जो मराठा शासक छत्तीसगढ़ के अंदर बिंबाजी भोसले को माना जाता है। इन्होंने अपने प्रशासन को चलाने के लिए कई सारे पदाधिकारियों को नियुक्त किया था। उसी में से आपसे पूछा गया है कि राज्य का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी या फिर व्यवस्थापक या दीवान कौन था। इसमें से नाम में से पकड़ना है, कृष्णा जी मोहिते, नीलू पंडित, रामचंद्र बख्शी या फिर घोड़ो महादेव कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, उम्मीद आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी, घोड़ो महादेव। ये जो घोड़ो महादेव थे वो राज्य का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी थे, व्यवस्थापक थे और दीवान थे। कृष्णा जी मोहिते कौन थे, तो ये याद रखिएगा ये राजस्व विभाग के प्रमुख थे। ठीक है, कृष्णा जी मोहिते कौन थे, तो राजस्व विभाग के प्रमुख कौन थे, कृष्णा जी मोहिते। ये जो नीलू पंडित हैं ये बिंबाजी के सेना का सेनापति थे। और रामचंद्र बख्शी जो थे वो कीब प्रमुख थे। कीब प्रमुख मतलब जो जो किला होता था, ठीक है, उस किला का प्रमुख कौन थे, तो रामचंद्र बख्शी थे। तो ये किला प्रमुख के नाम से याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न 84 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए कि मराठा काल में ब्राह्मणों को दिया गया जो दान था उसको क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक है, कि मराठा काल में जो ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता था उस भूमि को, उस भूमि को या उस जमीन को क्या कहा जाता था। देवस्थान, मोकासा, सेवई या फिर धर्मदाई, क्या कहा जाता था। देखिए, मराठा काल में जो मंदिरों के नाम पर जो दान दिया जाता था उसको देवस्थान कहा जाता था। ठीक है, मंदिरों के नाम पर जो धर्म के नाम पर दान दिया जाता था, ठीक है, उसको धर्मदाय कहा जाता था। ये मोकासा ऐसा जमीन था, ऐसा भूमि था जो ब्राह्मणों को दिया गया दान था। ठीक है, तो ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता था उसको मोकासा कहा जाता था। ये सेवई क्या था, तो सेवई इस समय क्या था, कई सारे अस्थाई करों का एक सामूहिक नाम था। ठीक है, ये टैक्स से संबंधित था, बहुत सारे टैक्स को मिलाकर ही एक नाम रख दिया गया था जिसको कहते हैं सेवई। तो सेवई टैक्स से संबंधित था। ठीक है, चलिए 85 देखते हैं। 85 प्रश्न आप सभी के लिए कि मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ में शामिल जिलों में नहीं था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था पहले वो जान लेते हैं। देखिए 2 नवंबर 1861 इस डेट को मध्य प्रांत का जो है गठन किया गया था। ठीक है, औपचारिक रूप से अगर बोल देगा कि मध्य प्रांत का औपचारिक रूप से गठन कब हुआ था, तो 2 नवंबर 1861 को। और इस मध्य प्रांत के अंदर भी हमारा छत्तीसगढ़ था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ को 1862 में जब संभागीय व्यवस्था चालू किया गया, तो 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बना दिया गया था। अब जब मध्य प्रांत के अंदर छत्तीसगढ़ भी था तो छत्तीसगढ़ में कितने जिले शामिल थे, तो उस समय छत्तीसगढ़ के अंदर 3 जिले जो थे। ठीक है, अब इसमें से पकड़ना है कि कौन सा जिला शामिल नहीं था, संबलपुर, बिलासपुर, रायखोल या फिर रायपुर। तो ये रायखोल जो है नहीं था। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी संबलपुर छत्तीसगढ़ का एक जिला था, बिलासपुर भी छत्तीसगढ़ का एक जिला था और रायपुर भी छत्तीसगढ़ का एक जिला था। ठीक है, संभाग छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब दिया गया था, 1862 में, और उसका हेड क्वार्टर जो है रायपुर को बनाया गया था। ठीक है, चलिए 86 प्रश्न आप सभी का कि छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग का स्थान और नेतृत्व में सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है कि अगर पूरा देश भर में देखा जाए तो 1917 में, ठीक है, 1916-17 में, ठीक है, 1916 से लेकर 17 में होम रूल आंदोलन चलाया गया था, क्या बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा। तो उसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में जब होम रूल लीग का जो क्षेत्रीय शाखा की स्थापना किया गया था कब में, तो एक चीज याद रखिएगा 1917 के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर होम रूल का स्थानीय शाखा जो है क्षेत्रीय शाखा 1917 में बनाया गया था। क्लियर है।
और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ बनाया गया था, रायपुर के अंदर बनाया गया था। इस चीज़ को आप याद रखना है। अब पूछा गया है कि इधर जो स्थान है और उससे संबंधित कि उसका नेतृत्व कौन किया था, कौन सा ऐसा जो विकल्प है जो सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो होम रूल लीग का जब स्थापना हुआ तो रायपुर में उस होम रूल लीग का नेतृत्व जो है पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया था, ये कथन बिल्कुल सही है। बिलासपुर के अंदर डॉक्टर हरि सिंह गौर ने नहीं किया था, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। अब कौन किया था, तो बिलासपुर के अंदर इसका जो नेतृत्व किया था ई राघवेंद्र राव ने किया था, ठीक है। ई राघवेंद्र राव जी के द्वारा बिलासपुर में होम रूल लीग का नेतृत्व किया गया था। और बाकी दुर्ग के अंदर घनश्याम सिंह गुप्त बिल्कुल सही है, और राजनांदगांव के अंदर ठाकुर प्यारे लाल सिंह, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं 87 का प्रश्न है कि धुमकुरिया के सदस्य जिनका उम्र 13 वर्ष से कम हो उन्हें क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जनजातियों से प्रश्न यहाँ पे बनाया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता है। तो हमारे चैनल में अगर जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है छत्तीसगढ़ के जनजाति, वहाँ पे आपको 4 से लेके 5 वीडियो जो है जनजातियों के ऊपर ही बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उसको भी जाके देखें, आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी हो जाएगी। और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़े हैं तो एक मॉक टेस्ट को आप किधर देखे देखें कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट से जाके दे सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, धुमकुरिया के सदस्य जिनका 13 वर्ष से कम उम्र हो उनको क्या कहा जाता है। तो पहली बात है, धुमकुरिया है क्या, तो धुमकुरिया जो है उरांव जनजाति का युवा गृह है, ठीक है। युवा गृह बेसिकली होता है क्या है कि उनको सांस्कृतिक उनकी जो शिक्षा होती है उसको दी जाती है, ठीक है, ऐसा समझिए। तो उरांव जनजाति का जो युवा गृह है उसको धुमकुरिया कहा जाता है। अब उस धुमकुरिया के अंदर हर एक उम्र के सदस्य होते हैं, चाहे 13 वर्ष से कम की बात हो, 13 से 18 के बीच की बात हो, 18 से अधिक, सभी तरह का। तो 13 से कम उम्र के जो सदस्य हैं उनको क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछा गया है। बताइए, धांगर, पूना जोरावर, मजथुरिया जोरावर या फिर धांगर में, तो क्या कहा जाता है। सही इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये जो पूना जोरावर है ये 13 से कम, ठीक है, 13 वर्ष से कम के जो उम्र के बच्चे हैं उनको पूना जोरावर कहा जाता है, ठीक है। और 18 वर्ष से जो अधिक से हैं, ठीक है, 18 से जो अधिक उम्र वाले हैं उनको धांगर कहा जाता है, ठीक है। और मजथुरिया वाले क्या हैं, तो 13 से लेके 18 वर्ष तक के जो सदस्य होते हैं उनको मजथुरिया जोरावर के नाम से जाना जाता है। और जो ये युवा गृह है इनका धुमकुरिया, उसका जो मुखिया होता है उसको धांगर महतो कहा जाता है, ठीक है। उरांव जनजाति के जो युवा गृह धुमकुरिया है उसका मुखिया को क्या कहते हैं, धांगर महतो। उम्मीद है ये पूरा डाटा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।